हेलो एवरीवन। तो चलिए हम 31 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में जो भी करंट अफेयर हुआ है उससे रिलेटेड हम सभी जो जानकारी उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जानकारी जो है कॉमनवेल्थ अभी जो बर्मिंघम में हो रहा है, बर्मिंघम में जो हो रहा है उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन से स्वर्ण पदक हमको मिला हुआ है, भारत को कौन सा रजत है, वो पूरा जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले स्वर्ण पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम जो हो रहा है उसमें जो इंग्लैंड की कौन है एलेक्सी ट्राइथन ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो यहाँ से भी सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम कौन है और किस देश की खिलाड़ी है। तो किस देश की खिलाड़ी, ये इंग्लैंड की है, ठीक है। नाम भी पूछ सकता है तो आपको याद रखना है एलेक्सी। फिर भारत को पहला पदक दिलाया था किसने, संकेत महादेव ने। तो याद रखना है संकेत महादेव का संबंध किससे है, एक वेट लिफ्टर है जिसने 55 केजी के साथ में वेट लिफ्टिंग किया, ठीक है। तो पहला हमको रजत मिला था, कौन सा रजत पदक मिला था, संकेत महादेव। दूसरा गुरु राजा पुजारी, जो ये भी एक वेट लिफ्टर है जिसने 61 केजी पर कांस्य पदक जीता है। और देखो सबसे पहले हमको जो रजत पदक मिला है, भारत को पहला पदक दिलाया किसने, संकेत महादेव ने। दूसरा गुरु राजा पुजारी और मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टर में 49, देखो अलग अलग वेट पे ये होता है, तो 55 में रजत पदक दिलाया संकेत महादेव ने, 61 केजी पे कांस्य पदक दिलाया गुरु राजा पुजारी ने। और मीराबाई चानू जो है 49 केजी पे भारत में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा ही कि देखो सभी को पता है कि मीराबाई ने वेट लिफ्टिंग में तो कई बार क्या वेट का भी दे सकता है क्योंकि सभी का वेट के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन है एक नया, इसमें आया कि संसद जो सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LED, हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। MP-LED होता क्या है, क्या चीज़ है, पहले ये देख लेते हैं कि हाल में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यसभा सांसदों को जो फंड मिलती है उस फंड का 25% तक का भी प्रयोग नहीं हो रहा है, उस फंड का 25% तक का भी प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए 100% मिलता है उसमें 25% का भी उपयोग नहीं हो रहा है। कारण क्या है, कारण यह है कि राज्यसभा सांसदों का प्रतिनिधित्व वाले राज्य से ना चुना जाना। जाहिर सी बात है कि राज्यसभा सांसदों का प्रतिनिधित्व अब भाई अलग अलग जगह से प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं, ये कारण भी है। सेकंड क्या है, प्रतिनिधि अन्य राज्यों से है अतः राज्य के विकास कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से अगर कोई चुनते हैं तो छत्तीसगढ़ के विकास कार्य पर ध्यान देंगे, तो नहीं चुनते इस कारण ये भी है। फंड का प्रयोग प्रतिनिधित्व वाले राज्य में खर्च की बाध्यता, ये तीन कारण पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मिलने वाले फंड का कितने प्रतिशत जो है अभी तो कितने प्रतिशत का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। लोकसभा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कहा गया कि पूर्ववर्ती सांसदों की 1723 करोड़ रुपए की खर्च नहीं की जा सकी, 1723 रुपए खर्च नहीं की जा सके। 2022-23 से लेकर 25-26 के मध्य में MLED योजना के तहत, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, MLED योजना के तहत 17,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है। देखिए 22 से लेकर 26 तक 17,000 करोड़। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि MP-LED है क्या चीज़। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि MP-LED की स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले देखेंगे कि MP-LED की घोषणा सन 1993 में हुआ था, ठीक है। तो आने वाले समय में जो भी पेपर हो, चाहे SI हो, CGPSC हो, कोई भी चीज़, ये करेंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट देगा। MP-LED क्या है, इसकी घोषणा सन 1993 में हुई थी। ये एक तरह का केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ हैं, क्रियान्वयन कौन करता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जो पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ करती थी वो। इसके तहत सांसदों को प्रतिवर्ष 5 करोड़ 2 किस्तों में दिए जाते हैं, सांसदों को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए 5 करोड़ 2 किस्तों में। इसका उद्देश्य कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क संबंधित प्राथमिक शिक्षा आदि पे इसको खर्च करना रहता है, ठीक है। विकास क्या है, और विकासात्मक कार्यों की सिफारिश हेतु सांसदों को सक्षम बनाना होता है, इसका उद्देश्य है। अब MP-LED कोष का गठन, यही MP-LED गठन की घोषणा कब हुई थी, तो कोष से प्राप्त ब्याज भारत की संचित निधि में जमा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राशि का व्यय कैसे खर्चा होता है, तो लोकसभा सांसद अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं में खर्च करने की सिफारिश करता है और राज्यसभा प्रतिनिधित्व वाले राज्य में व्यय की सिफारिश करता है। यह हुआ 31 जुलाई का करेंट अफेयर। और इसमें है
क्रिमिनल गैलरी, ये क्रिमिनल गैलरी क्या है? तो ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की पहली क्रिमिनल गैलरी बना है कहाँ, ये स्थान है कहाँ पे? एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट रायपुर। तो पूछ सकता है ये आपको छत्तीसगढ़ नहीं देगा, तो पूछेगा किस राज्य में क्रिमिनल गैलरी की स्थापना की गई है, तो क्राइम एंड जो एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट रायपुर में। इसमें क्या होगा कि गैलरी में अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड जो डिजिटल तौर पे उपलब्ध होंगे। तो देखा, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जो है पूरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल डाटा उपलब्ध होगा। ये क्या है उशु प्रतियोगिता, क्या चीज़ है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये जो खेल से संबंधित क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आयोजन उशु का कहाँ हो रहा है? जॉर्जिया में हो रहा है। भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट दे सकता है कि उशु प्रतियोगिता में भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के से 2 खिलाड़ियों का नाम कौन सा है? तो पहला है प्रतीक ठाकुर जो कि रायपुर के रहने वाले हैं, और श्रीकांत नावलेकर जो कि दोनों रायपुर के हैं। तो नाम इम्पोर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना संडे को पता चल जाएगा कि कौन कौन से करेंट अफेयर दिया हुआ है। ठीक है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है? एशिया की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं गौतम अडानी, ये अंबानी को भी आगे बढ़ गया, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, आप चाहे तो इसका पिक जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, INS विक्रांत बहुत बेस्ट है ये। अभी INS विक्रांत क्या है? स्वदेशी विमान है जो कि वाहक पोत 76% स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है, इसका प्रयोग करके बनाया गया है। इसका निर्माण कहाँ हुआ? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। डिज़ाइन किया गया आंतरिक नौसेना डिज़ाइन निदेशालय में। इसकी लंबाई 262 मीटर प्रति गति 28 समुद्री मील, बहुत अच्छा है। तो यहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये इसका उद्घाटन कब किया गया INS विक्रांत का? तो 15 अगस्त को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विविध में क्या है कि महिला वनडे कप, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि आने वाले समय में कि महिला वनडे वर्ल्ड कप कब होगा भारत में। 2025 में भारत में आयोजित होने वाला है महिला वनडे कप। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के शीर्ष 20 व्यस्त है एयरपोर्ट सूची में। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन दिया गया है कि पूरे विश्व के शीर्ष 20 व्यस्त एयरपोर्ट सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कौन सी स्थान है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली के 13वें स्थान पर। तो पूछ सकता है कि विश्व के पूरे में भारत का कहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली का 13वां स्थान है। ठीक है, पहला स्थान कौन सा है ये देख लीजिए, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। IMF द्वारा भारत का GDP विकास दर बताया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, याद रखना है। ठीक है, IMF ने GDP विकास दर बताया 2022-23 का 7.4% और 23-24 का 6.1%। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनेगा ही। आपको पता है कि गौमूत्र खरीदी जो है हरेली पर्व के दौरान प्रारंभ किया गया था पाटन क्षेत्रों से। तो क्वेश्चन है प्रथम विक्रेता, यहाँ से भी आप क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। गौमूत्र से देखो 4 रुपये प्रति लीटर के दर से खरीद रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विक्रेता कौन है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रथम खरीदार थे। किसके माध्यम से खरीदे? तो याद रखना है निधि स्वसहायता समूह चंद्रखुरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी करेंट अफेयर जब पेपर होगा ना उसमें सॉल्व करेंगे। चंद्रखुरी, याद रखना, स्वसहायता समूह चंद्रखुरी के माध्यम से भूपेश बघेल द्वारा खरीदा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ परियोजनाएँ निकली गई है। क्या है वो परियोजना? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली बहुत से परियोजनाओं का शिलान्यास। देखो इन्होंने वर्चुअली बहुत से परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। क्या क्या? सबसे पहले ये पूरा हर चीज़ करेंगे कि कहाँ कहाँ हुआ है। सबसे पहले तो नोक सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में इसका शिलान्यास हुआ था वर्चुअली के माध्यम से हुआ। तो ये यहाँ पर कितना मेगावाट का सोलर लगा है? तो लगभग 735 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। ग्रीन हाइड्रोजन, देखो जो जो अभी देख रहे हैं ना लाइन से, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा ही रहकर जब पेपर हम देंगे तो देखना कि नोक सोलर प्रोजेक्ट कहाँ है जो है स्थापित किया गया आयोजन, मतलब कि पूछ सकते हैं शिलान्यास, तो राजस्थान में लगभग 735 मेगावाट का। दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लेह वाहन के लिए किया गया, लेह वाहन के लिए, ये तो दिख रहा है वो। कवास ग्रीन हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस मिशन प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया, शुरुआत की गई गुजरात में।
रामागुंडम फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 10 मेगा तेलंगाना, ठीक है। कायाकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट केरला, राष्ट्रीय सोलर रूफ टॉप पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। और आगे क्या क्या देखते हैं, पुनर्थार्थ वितरण क्षेत्र परियोजना, डिस्कॉम के वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता दिया गया, 3 लाख करोड़ से अधिक राशि का दिए गए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए, ठीक है। अब देखते हैं करंट अफेयर 1 अगस्त का, 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में महापौर संघ का अधिवेशन हुआ रायपुर में, पहली बार रायपुर में इसका आयोजित किया गया, देश भर के सभी निगमों के महापौर शामिल होंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, देश भर के जितने भी नगर निगम हैं उसके सभी महापौर जो है 27 से 28 अगस्त 2 दिन में रायपुर में पहली बार आयोजन होगा महापौर संघ अधिवेशन, इम्पोर्टेंट है, पूरे देश भर के महापौर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद शिक्षा एवं आलोचना सम्मान किसको मिला है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिख के रख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद शिक्षा के आलोचना सम्मान किसको मिला है, तो रविशंकर पंडित रविशंकर शुक्ल के एक प्रोफेसर है जिसका नाम है प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा, याद रखना है, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है, तो याद रखना है भाषा अनुसंधान ने हिंदी सेवा के क्षेत्र में, भारतीय नार्वे जीएम सूचना सांस्कृतिक फोरम द्वारा प्रदान किया गया, तो ये क्वेश्चन केसरी लाल वर्मा का याद रखना है, ठीक है। अभी साथ ही साथ में विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है, तो कैसे कैसे तो देखेंगे, राज्य विधानसभा में विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। देखिए मुख्यमंत्री का भी वर्तमान में 1.3 लाख जो है सैलरी बनता था, अब प्रावधान किया गया 2.05 लाख, ये सैलरी है, ठीक है। मंत्रियों के 1.3 लाख था, अब देखिए कितना बढ़ गया, तो इसी तरह पूरा सैलरी जो है विधायकों का 1.10 लाख था, अब उसका ये कम किया गया क्या प्रावधान, जबकि बढ़ा ये बाकी सभी का बढ़ाया गया इतने का, सिर्फ विधायक का कम कर दिया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में बर्मिंघम में फिर से कुछ देखते हैं, यहाँ पे अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने वाली सबसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखना, ये आ गई सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी कौन है, पूछ सकता है अनाहत सिंह स्क्वाश, ठीक है। जेरमी वेटलिफ्टर तो ये हमने देखा था, भारत को दूसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया राज्य मिजोरम, राज्य में मछुआरा शब्द की परिभाषा में कुछ बदलाव किया गया है, वर्तमान में मछुआ शब्द की परिभाषा जो भी मछली पालन के कार्य में संलग्न है वो इसका परिभाषा होता था, मांग ये है कि वंशानुगत तौर पर मत्स्य पालन और रॉकेट में संलग्न लोगों को स्पष्ट रूप से परिभाषित में शामिल किया जाए, निषाद ढीमर धीवर कहार केमट मल्हार, कहा जाता है कि परिभाषा अस्पष्ट होने से वंशानुगत व्यवसाय से जुड़े समाज लाभ से वंचित हो रहे हैं। राज्य में मछली पालन क्षेत्र की प्रगति कुछ देख लेते हैं, इसमें क्या कहें, राज्य के जल क्षेत्र का 1.920 लाख हेक्टेयर में राज्य जल क्षेत्र का जिसमें से सिर्फ 1.812 लाख हेक्टेयर अर्थात 94.38% में ही मछली पालन किया जा रहा है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में अगर उत्पादन देखें तो 4000 मीट्रिक टन, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मछली उद्योग जो GDP में क्या योगदान है 2021-22 के हिसाब से, देखिए वृद्धि जो अगर देखें तो 5.82 लाख जो है इसका आपको GDP में योगदान देखने को मिल रहा है 2.2% के हिसाब से, और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 7.68% के हिसाब से। मछुआ सहकारी समितियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु तालाब और जलाशय पट्टे पर दिया जाता है, बहुत ठीक है। मत्स्य उत्पादन में भारत का अगर हम देखें स्थान तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 7.7% उत्पादन होता है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, ठीक है। सर्वाधिक मछली उत्पादन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम आंध्र प्रदेश में 27%, द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का, इसमें बहुत सारी योजनाएँ चलती है। सेकंड 2 अगस्त का देखते हैं, अभी कुछ चर्चा में रहा है मनोज साहू रायपुर के, कुराज चैंपियन में कांस्य पदक जीते हैं 80 kg वर्ग में मनोज साहू, आयोजन हुआ था राजस्थान में। दिव्यांशु नेताम फेंसर क्या है, खेलो इंडिया रैंकिंग चैंपियन दिल्ली में रजत पदक जीते, देखो कहां कहां हुआ था कौन था किससे रिलेटेड कुछ ना कुछ देगा, जैसे प्रयाग ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट में खिताब कौन जीते हैं
भरी भुज हुआ जो कि चेक गणराज्य के हैं, हराया किसको, इसको। कॉमनवेल्थ में फिर से क्वेश्चन देखिए, हॉकी पुरुष भारत ने घाना को 10-0 से हराया। अंचिता सुली पश्चिम बंगाल से एक वेट लिफ्टर है, 73 केजी वर्ग में इन्होंने भारत को तीसरा स्वर्ण पदक जिताया। तो देखिए स्वर्ण पदक सभी को याद रखना है, ठीक है। बिंदिया रानी देवी मणिपुर से है जो 55 केजी में रजत पदक जीती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है तमिलनाडु पुलिस को दिया गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है तमिलनाडु पुलिस को दिया गया। ये प्रारंभ यह कब से दिया जा रहा है, 1951 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। ये अभी एक करेंट में चल रहा है, मौली माता मंदिर नारायणपुर में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मौली मेला नारायणपुर का जिक्र किया। मौली मेला नारायणपुर या मौली माता का विश्व यह का जो मेला है विश्व प्रसिद्ध है, लगभग 8 दिनों। ये क्वेश्चन जो है बार बार मौली माता का आपको CGPSC करेंट अफेयर में देखने को मिलेगा है कि मौली माता का मंदिर कहाँ है, कितने दिनों तक जो है ये मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ लगभग 84 परगना के देवी महिलाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में स्मार्ट सिटी का वर्चुअल रिव्यू। स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर कुणाल कुमार द्वारा राज्य के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का वर्चुअल समीक्षा किया गया। यह समीक्षा से यह बात सामने आया कि प्रारंभ से लेके अब तक 7 वर्षों में 453 प्रोजेक्ट में से केवल 199 प्रोजेक्ट अर्थात 43% ही पूर्ण हो पाया है, जबकि मिशन अवधि 2023 में समाप्त हो जाएगी। राज्य में स्मार्ट, देखो क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है कि राज्य में 3 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है। कौन कौन से, क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया था कि कौन कौन से स्मार्ट सिटी के तहत शहर चयन हुए, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, जून 2015 से लेके 2015 में लगभग जो है कितना देखिए, 2,05,018 करोड़ रुपये की लागत से बना था, से लेके क्या चीज़ है ये 5,151 प्रोजेक्ट के साथ ही प्रारंभ हुआ बोल रहे हैं। लगभग 100 शहरों का चयन करके इसमें विकसित कर रहे हैं, ये 2023 में ख़त्म हो जाएगा। उद्देश्य क्या है स्मार्ट सिटी, शहरों के मूल बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, नागरिकों को स्वच्छ टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है, ठीक है। ये बाकी PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उस लिंक दिया है CGPSC अकेडमी, वहाँ पे आपको प्रिडिक्शन, ये मत प्रिडिक्शन बोलते हैं, ये जो PDF है ना आपको मिल जाएगा। बस्तर टाइगर पुस्तक क्वेश्चन यहाँ से जो पुस्तकों के बारे में भी मिलता है, ठीक है। इसके लेखक है प्रीति उपाध्याय और कुणाल शुक्ला। यह पुस्तक आदिवासी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। कुल टोटल इसमें 25 अध्याय लिखे गए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बस्तर टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, प्रीति उपाध्याय और कुणाल शुक्ला, ठीक है। डॉक्टर ललिता भाटिया अभी कुछ रही है, क्या है ये, अटल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है ये, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लीजिए। MiG-21 दुर्घटना क्या है ये पढ़ना है। MiG-21 भारतीय वायुसेना का सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है। हाल में दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ था, बाड़मेर राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपको ये जो है पूरा यहाँ पे आपको लाइन से मिल जाएगा, कॉमनवेल्थ में कौन कौन जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जितने भी करेंट अफेयर मैं आपके लिए लाते रहूँगा।